असलकमीवान आज बेसिकली मैं बात करने जा रहा हूँ फ़ंड्स के ऊपर कि आप अगर यू के का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको कितने पैसे जो है, वो required हैं वो रिक्वायर्ड हैं जब पाकिस्तान में मैं था तो मेरे माइंड में ये क्वेश्चन बहुत बार आया कि आखिर कितने पैसे चाहिए होते हैं अगर आपने बाहर स्टडी के लिए जाना है अब्रॉड कहीं भी तो उसका सबसे पहले इस वीडियो में तो मैं एक ब्रेक डाउन जो है वो आपको बता दूंगा कि कहाँ कहाँ आपने जो है वो स्पेंड करने हैं पैसे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने एक्चुअल में यूके गवर्नमेंट को कितने पैसे जो है वो दिखाने हैं अपना वीज़ा जो है वो गेट करने के लिए सेकंड कि आपने एक्चुअल में कितने पैसे स्पेंड करने हैं तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं सबसे पहले कि आपने वीज़ा जो है वो रिक्वायर्ड जो आपने वीज़ा जो लेना है उसके लिए अपने बैंक में कितने पैसे आपने शो करवाने हैं सेकेंड आपने एक्चुअल में कितने पैसे स्पेंड करने हैं तो जब मैं आपको ये ब्रेक डाउन जो मैं बताऊंगा अभी ब्रेक डाउन देखने के बाद आई थिंक जो अमाउंट बनेगी आपने वो देख के घबरा नहीं जाना कि यार इतने पैसे चाहिए होते हैं वीज़ा जो है वो लेने के लिए यू आने के लिए तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि एक्चुअल में आपकी स्पेंडिंग कितनी है तो रियल में जो है आपको इतने पैसे चाहिए तो होते हैं लेकिन आप कैसे स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पे भी आप अगर आएंगे तो आप यहाँ पे भी अर्न करेंगे तो लास्ट पार्ट में मैं आपको क्लियर बता दूंगा कि आपको एक्चुअल में कितने पैसे जो है वो स्पेंड करने हैं तो सबसे पहले हम ब्रेक डाउन के ऊपर आते हैं कि ब्रेक डाउन क्या है तो सबसे पहले तो आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस आ जाती है अब वो यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है वो डिपेंड करती है यूनिवर्सिटी के ऊपर तो यहाँ पे जो मास्टर की डिग्री एक साल की होती है उस पर जो फ़ीस है वो आपकी ग्यारह हज़ार से लेकर सोलह हज़ार पाउंड तक होती है और इसमें वेरी करती हैं आपको कभी स्कॉलरशिप भी मिल जाती है कभी जो है वो यूनिवर्सिटी आपको कुछ डिस्काउंट भी दे देती है तो ये डिपेंड करती है तो मैं आज रफली हम ले लेते हैं फोटीन थाउजेंड टाउन पर ईयर आपको जो है वो यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करनी पड़ती है उसके बाद सेकेंड जो है आपका वो आपका लिविंग एक्सपेंस आ जाता है अब जो लिविंग एक्सपेंस है वो यहाँ के गवर्नमेंट ने मैंशन किया हुआ है कि अगर तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं जो कि लंदन से बाहर है तो आपको 1023 पाउंड पर मंथ जो है वो आपकी बैंक अकाउंट में होनी चाहिए तो आप वन थाउजेंड एंड ट्वेंटी थ्री पाउंड को मल्टीप्लाई कर देंगे ट्वेल्व से तो आपकी जो अमाउंट है वो आई थिंक आएगी ट्वेल्व थाउजेंड टू हंड्रेड एंड सेवेंटी सिक्स पाउंड तो ये आपका सेकंड एक्सपेंस है आपका जो थर्ड एक्सपेंस है वो बेसिकली है आपका वीज़ा एप्लीकेशन फीस वो आपकी है फोर हंड्रेड एंड नाइन्टी पाउंड्स उसके बाद आपके हेल्थ केयर सर चार्जेस हैं जो कि ऑलमोस्ट बन जाते हैं वो भी डिपेंड करता है कि आपका वीज़ा ड्यूरेशन क्या है आपको कभी जो है वो ट्वेल्व मंथ्स का वीज़ा मिल जाता है अगर आपका कोर्स जो वो डेढ़ साल का है तो वो उस पर डिपेंड भी करता है तो ये आई थिंक ऑलमोस्ट बन जाता है सेवन हंड्रेड पाउंड और जो आपका लास्ट एक्सपेंस है वो है आपका टी बी टेस्ट अगर आप पाकिस्तान से यहाँ पर आना चाहते हैं तो वहाँ पर आई थिंक पंद्रह हज़ार रुपये का जो है वो पाक रुपीज़ में आपको ये कॉस्ट पड़ेगी और वो आई थिंक फोर्टी टू पाउंड बनते हैं ऑलमोस्ट आज के डेट के मुताबिक तो अगर आप इसको पाकिस्तानी अमाउंट में कन्वर्ट करते हैं तो ये ऑलमोस्ट 92, टू नाइन्टी फाइव लैक्स पे पहुँच जाती है बात जो कि आपको नब्बे से पचानवे लाख चाहिए यू के का वीज़ा लेने के लिए ये एक ब्रेकडाउन मैंने आपको बताया है। अब एक्चुअल में इस ब्रेकडाउन में से कौन सी अमाउंट आपकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर शो होनी चाहिए सेकंड जब आपको वीज़ा मिल जाता है उसके बाद आपने जो है वो एक्चुअल में कितना स्पेंड करना है आपने इस पूरी ब्रेकडाउन की जो अमाउंट है इसमें से कितना पे करना है कितना आपने बैंक में शो करना है ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताता हूँ अब बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट में कि बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपने कैसे जनरेट करनी है कितनी जनरेट करनी है कौन कौन सी अमाउंट जो मैंने आपको ब्रेकडाउन में बताया है वो जो अमाउंट है, है आपके बैंक अकाउंट में होनी चाहिए सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्टेटमेंट कितनी पुरानी होनी चाहिए यूके की रिक्वायरमेंट है कि आपने जो पैसे वहाँ पे डिपॉज़िट करवाने हैं वो ट्वेंटी एट डेज़ तक वहाँ पे पड़े होने चाहिए ट्वेंटी नाइन डेज़ ऐसे ही हो जाएगा तो आप वैलिड होते हैं बैंक स्टेटमेंट को यूज़ करने के लिए तो ट्वेंटी एट डेज़ का पीरियड है पहली बात अब आपका जो मैंने ब्रेकग्राउंड बनाया था उसमें से कौन सी अमाउंट हमने शो करनी है अपनी बैंक स्टेटमेंट में पहली तो आया है आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस अब वो मैंने आपको बताई थी फोर्टीन थाउजेंड पाउंड उसमें यह होता है कि आपने एक अनिशियल डिपॉज़िट पे किया होता है जब आप वीज़ा प्रोसेस करवाते हैं तो जब आप इनिशियल डिपॉज़िट पे करते हैं लेट्स सपोज कि आपने चार हज़ार पाउंड जो है वो अनिशियल डिपॉज़िट पे कर दिया है अब जो रिमेनिंग टेन थाउजेंड पाउंड है वो आपने अपने बैंक अकाउंट में शो करवाना है और वो टेन थाउजेंड पाउंड जो आपके बैंक अकाउंट में है वो ट्वेंटी एट डेज़ पुराने पड़े होने चाहिए उसके अंदर सेकेंड जो चीज़ आएगी आपके अकाउंट के अंदर वो आएगा आपका लिविंग एक्सपेंस तो मैंने आपको बताया कि आपका साल का जो लिविंग एक्सपेंस है वो ट्वेल्व थाउजेंड टू हंड्रेड एंड सेवेंटी सिक्स पाउंड है जो कि आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए अब ये दोनों अमाउंट जो है ना ये ऑलमोस्ट बन जाती हैं आपका जो लिविंग एक्सपेंस है वो बनता है फोर्टी थ्री लैक्स पे पाकिस्तान और जो आपका टेन थाउजेंड पाउंड है आज के रेट के मुताबिक मैंने थ्री फिफ्टी जो है वो आज कल चल रहा है तो ये बनता है आपका पैंतीस लाख तो ये आपकी स्टेटमेंट होनी चाहिए अभी जो स्टेटमेंट है ये आपने शो करवानी है गवर्नमेंट को वीज़ा लेने के लिए कि आपके पास इनफ फंड्स हैं अपनी रिमेनिंग फीस पे करने के लिए और अपना लिविंग एक्सपेंस वहाँ पर रहने के लिए खाने पीने के लिए आपके पास पैसे इनफ पड़े हुए हैं आपके बैंक अकाउंट में अब बात करते हैं एक्चुअल स्पेंडिंग की कि आपको कितने एक्चुअली पैसे जो है वो स्पेंड करने हैं सबसे पहले आपकी फ़ीस थी उस फीस में से आपने इनिशियल डिपॉजिट जो है वो पे करना होता है यूनिवर्सिटी को मैंने आपको पहले भी बताया अब वो जो इनिशियल डिपॉजिट है वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे लेट्स सपोज जैसे हमने इस वीडियो में लिया है फोर थाउजेंड पाउंड तो फोर थाउजेंड पाउंड आपको पे करना ही करना है तो वो आपके पास होना चाहिए और फोर थाउजेंड पाउंड है वो पाकिस्तानी आई थिंक बनता है चौदह लाख रुपया तो ये चौदह लाख जो है ये आपने पे करना ही करना है जैसे ही आप ये पे करते हैं उसके बाद आपको कैश लेटर मिल जाता है सेकेंड एक्सपेंस था आपका लिविंग कॉस्ट अब ये लिविंग कॉस्ट है इसको आप स्किप कर सकते हैं क्यों क्योंकि आपको जब आप यहाँ आते हैं तो आपके पास 20 आवर्स रिक्वायर्ड होते हैं पर वीक काम करने के लिए तो आप अपना यहाँ पे लिविंग एक्सपेंस जो है वो मेंटेन कर सकते हैं अपना यहाँ आएँ जॉब करें आप अर्न कर सकते हैं अपना लाइक like लिविंग रहना रेंट जो है आपका खाना पीना ट्रैवलिंग मोबाइलिंग एवरीथिंग आप जो है यहाँ पर अपना ईजीली निकाल सकते हैं थर्ड एक्सपेंस है आपका आपका वीज़ा फ़ीस जो कि आपको पे करनी करनी है वो आपकी ऑलमोस्ट बन जाती है पाकिस्तानी एक लाख सत्तर हज़ार पाउंड और जो आपका फोर्थ एक्सपेंस था वो है आपकी आई एच एस फीस हेल्थ इंश्योरेंस की फ़ीस वो भी आपकी ढाई लाख तक बनती है वो आपको पे करनी करनी है और लास्ट में आपका था टी बी टेस्ट जो कि आपको पे करना ही करना है तो ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से बनती है बीस लाख की अमाउंट जो कि आपको स्पेंड करनी पड़ती है वीज़ा हासिल करने के लिए जो कि एक्चुअली आपको पे करने पड़ते हैं बीस लाख आपको पे करना है और रिमेनिंग जो अमाउंट थी वो आपको अपने बैंक में शो करवानी पड़ती है और वो बैंक में शो करवाने के लिए बहुत से लोग या तो किसी से पैसे ले लेते हैं बोरो पक कर लेते हैं पैसे या उनके पास अपने पैसे होते हैं वो उसमें शो करवा के बैंक में वीज़ा ले, ले लेते हैं जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ आके आप अपना इजीली लिविंग एक्सपेंस तो निकाल लेते हैं ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है सेकेंड जो मेन इशू आता है वो आता है आपकी रिमेनिंग फीस का आपने चार हज़ार पाउंड पे किया है उसके बाद जो आपके दस हज़ार पाउंड है वो कैसे पे होंगे उसके दो रास्ते हैं या तो आपके पास इनफ फंड्स होने चाहिए फीस के लिए तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं है देन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे अपने डिपेंडेंट के साथ आए ताकि जो डिपेंडेंट है वो फुल टाइम जो है वो वर्क कर सकता है उसके फुल टाइम काम करने से वो आपकी रिमेनिंग फीस जो है वो पे कर सकता है लेकिन यूके के रिसेंट जो उनका लॉ आया है अभी 2024 में ही उन्होंने कहा है कि आप अगर ग्रेजुएशन या मास्टर्ड में अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा तो आप अपना डिपेंडेंट नहीं लेके आ सकते अगर आप एम या पी के लिए आ रहे हैं तब आपको अलाउ है अपना डिपेंडेंट लेके आना तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपकी जो फीसिस है ना एटलीस्ट वो आपके पास होनी चाहिए जो चौदह हज़ार पाउंड आई थिंक फोटी नाइन लैक्स बनते हैं पाकिस्तानी और उसके अलावा आपके जो छोटे एक्सपेंस हैं आपका टी वी रेस्ट है वीज़ा फ़ीस है वो पाँच लाख है तो आपको प्रॉब्ली जो है फिफ्टी फाइव लैक्स चाहिए ही चाहिए अगर आप जो है यहाँ पर स्टडी करने के लिए आते हो अगर तो आप अपने डिपेंडेंट के साथ आ रहे हो तब आपको सिर्फ़ और सिर्फ बीस लाख जो है वो पे करने हैं आपको वीज़ा मिलता है आप दोनों यहाँ पे आते हैं अपना जो है वो अर्निंग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आके आपकी फीसिस भी आप जो है वो आप निकाल सकते हैं और अपना लिविंग एक्सपेंस भी और अगर आप सिंगल आ रहे हैं यहाँ पे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फीसिस जो हैं वो अपनी एटलीस्ट पूरी अरेंज करके हैं क्योंकि सिंगल बंदा यहाँ पे फीसिस मैनेज नहीं कर सकता वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिविंग एक्सपेंस और जो आपका खाना पीना होता है आप सिर्फ़ वही यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं आप उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा काम करने की तरफ जाएंगे अगर तो आपको वैसे तो आपको अलावा ही नहीं है आप नहीं कर सकते इन केस के अगर आपको कोई एक्स्ट्रा काम मिल भी जाता है तो आपकी स्टडी डिस्टर्ब हो जाती है तो आप स्टडी नहीं कर सकते अगर आप उसमें फ़ेल हो जाते हैं देन आपको वापस जाना पड़ता है पाकिस्तान आपका वीज़ा जो है वो कैंसिल हो जाता है तो ये चीज़ें हैं तो अगर आप सिंगल आ रहे हैं देन आपको साठ लाख तक आपको चाहिए और अगर आप डिपेंडेंट के साथ आ रहे हैं तब आपको बीस से पच्चीस लाख चाहिए आप वीज़ा अप्लाई करें यहाँ पर आके जॉब करें और अपना सब कुछ जो है वो मैनेज कर सकते हैं लेकिन ये डिपेंडेंट की ऑप्शन सिर्फ उनके लिए रह गई है जो कि यहाँ पे एम फिल या पी एच डी की डिग्री के लिए आएंगे बाकी मास्टर और ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए आपको मिनिमम सिक्सटी लैक्स आपके पास होने ही चाहिए अगर आप बाहर आते हैं यहाँ पे यू के में स्टडी करने के लिए तो आज की वीडियो में इतना ही आई थिंक काफ़ी है मैंने काफ़ी कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया है आपके अगर कुछ भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं स्टेटमेंट से रिलेटेड यहाँ की फ़ीस से रिलेटेड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में जो है वो बता सकते हैं मैं आपको साथ साथ जो है इसका रिप्लाई कर दिया करूँगी तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो बहुत जल्दी आएगी तब तक आप अपना ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़